Hi friends, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn about five words that tells men's types. Friends, आज के इस वीडियो में हम पांच ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो इंसान के मिजाज को बताती है कि इंसान इस मिजाज के होते हैं या वो इस ख्याल के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है बैक स्टेबल। बैक स्टेबल का मतलब होता है पीठ पर वार करने वाला इंसान, या छिप कर वार करने वाला इंसान, या आस्तीन का सांप। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो वह पीठ पर जख्म देने वाला इंसान है, या वह छिप कर वार करने वाला इंसान है, या वह आस्तीन का सांप है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स ही इज बैक स्टेबर, यानी वह आस्तीन का सांप है या वह पीठ पीछे वार करने वाला इंसान है। क्या आप जानते हैं राहुल आस्तीन का सांप है? डू यू नो राहुल इज बैक स्टेबर। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि राहुल पीठ पीछे वार करने वाला इंसान है या पीठ पर जख्म देने वाला इंसान है। सब जानते हैं कि आप आस्तीन के सांप हो। ऑल नो यू आर बैक स्टेबर। आइए फ्रेंड्स आज का दूसरा वर्ड देखते हैं। हमारा दूसरा वर्ड फ्रेंड रॉयल मैन। रॉयल मैन का मतलब होता है वह इंसान जो राजा की तरह जीता हो, यानी वह इंसान जिसका लाइफ नवाब की जैसा हो। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो वह राजा की तरह जीने वाला इंसान है या वह नवाबों के जैसा जीने वाला इंसान है, तो आप कहेंगे ही इज अ रॉयल मैन। मैं राजा की तरह जीने वाला इंसान नहीं हूं। आई एम नॉट अ रॉयल मैन। क्या आपको नहीं लगता आपका दोस्त राजा की तरह जीने वाला इंसान है? डोंट यू थिंक योर फ्रेंड इज अ रॉयल मैन। आइए फ्रेंड्स आज का तीसरा वर्ड देखते हैं। और हमारा तीसरा वर्ड फ्रेंड न्यूरोटिक या साइकिक। इन दोनों का मतलब होता है सनकी इंसान या पागल इंसान, या वो इंसान जिसकी दिमागी हालत सही नहीं हो। अगर आपको कहना हो मेरा दोस्त सनकी था या मेरा दोस्त पागल था, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड वाज साइकिक। क्या आपका भाई सनकी था? वाज यू ब्रदर साइकिक? नहीं नहीं मेरा भाई पागल नहीं था, या मेरा भाई सनकी नहीं था, आप कहेंगे माई ब्रदर वाज नॉट साइकिक। फ्रेंड्स कई बार ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं क्या तुम्हारे दिमाग में खलल है? तो अगर आपसे कोई कहे क्या तुम्हारे दिमाग में खलल है, तो फिर आप समझिए वो कहना चाहता है आर यू साइकिक, यानी क्या तुम सनकी हो या क्या तुम पागल हो। आइए फ्रेंड्स आज का चौथा वर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा चौथा वर्ड है रेटिशेंट या रिजर्व। दोनों का मतलब होता है गंभीर इंसान, यानी वह इंसान जो बहुत कम बातें करता हो या सिर्फ काम की बातें करता हो। जैसे अगर आपको कहना हो वह आदमी गंभीर इंसान है या वह आदमी कम बात करने वाला इंसान है, तो आप कहेंगे दैट मैन इज रेटिशेंट। आप ये भी कह सकते हैं दैट मैन इज रिजर्व्ड। मेरे उस्ताद गंभीर इंसान नहीं है, आप कहेंगे माई टीचर इज नॉट रेटिशेंट, या My teacher is not reserved. क्या आपके पापा गंभीर इंसान हैं? Is your father reserved? आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट वर्ड देखते हैं। और हमारा लास्ट वर्ड है पॉम्पस मैन। पॉम्पस मैन का मतलब होता है दमदार इंसान। अगर आपको कहना हो मेरे चाचा दमदार इंसान हैं, तो आप कहेंगे My uncle is a pompous man. सलमान खान दमदार इंसान है। सलमान खान इज अ पॉम्पस मैन। खली दमदार इंसान है। खली इज अ पॉम्पस मैन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये पांचों वर्ड्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए फ्रेंड्स, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।